This program is brought to you by साथ हो हबीब तो मंजिल अपने नाम है हबीब मेट्रो स्टे अहेड. This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम जोशी जुनून में खुश आमदीद. मैं हूं आपका मेज़बान असफर खान ज़ादा. आज हम जो हैं कराची नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और आपको पिच की हालत बताएंगे जहां फ़ाइनल होने जा रहा है. पिच में आपको दिखाता चलूं, पिच पे इस वक्त ग्रास ही ग्रास मौजूद है, आप देख सकते हैं. और जो हमारी मैनेजमेंट से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिच है ये बैटिंग विकेट हो सकती है. अब ये फ़ाइनल में 25 मार्च को डिसाइड होगा कि ये विकेट कितनी सूदमत साबित होती है जो बैट्समैन हैं उनके लिए. मैनेजमेंट से बात हुई, काफ़ी लोगों के एंटरटेनमेंट का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है जो फाइनल होने जा रहा है. लोगों को फैसिलिटेट करने के प्लान बहुत अच्छे हैं जो हमें अभी तक बताए गए हैं. 1.5 अरब रुपये लगा है इस ग्राउंड पे तैयार होने में. मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि देखें ये ग्राउंड की जो हालत है ये 1.5 अरब लगने के बाद इस सूरत में नज़र आ रहा है. बाकी अभी तक इस पर काम जारी है और देखते हैं जो काम में है तेज़ी हमें दिखाई दे रही है कि ये स्टेडियम 25 मार्च तक कितना निकल के सामने आता है. मैं आपको स्टूडियो लेके चलूँगा. स्टूडियो में जो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद होंगे, सलाउद्दीन हैदर साहब, खालिद महमूद साहब, इकबाल जमील साहब और साजिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे आज. तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको स्टूडियो से ज्वाइन करते हैं. स्टे विद अस. This program is brought to you by साथ हो हबीब तो मंजिल अपने नाम है हबीब मेट्रो स्टे अहेड. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो से और जो पैनलिस्ट हैं मेरे साथ उनका आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं. मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम. साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर. और खालिद महमूद साहब, वेलकम टू द शो सर. पहले इकबाल जमील साहब आपसे बात कर लेते हैं. yes. आज हम पूरे दिन जो थे स्टेडियम में मौजूद थे, अहवाल देखा, वहाँ की कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, काम जो हो रहा है तेज़ी से वो देखा. 1.5 अरब रुपए मुझे समझ नहीं आता कि वो लगे कहाँ. अगर हम ग्राउंड की बात करें ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता कि वो 1.5 अरब रुपये ग्राउंड पर लगे हैं या वो शायद से पास हुए हैं जिस तरह और प्रोजेक्ट्स में पास हो जाते हैं. वो लगते हुए मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए माजरत के साथ आज, क्योंकि हमने ग्राउंड का अच्छी तरह सर्वे किया, देखा पिच हमें लगी कि पिच पे काम हुआ है, ग्राउंड के अंदर की जो इन ग्राउंड है वो काम हुआ है, लेकिन जो वो जो आएंगे क्राउड आएगा उसके लिए कोई काम मैंने देखा नहीं. क्या कहेंगे असर? आप ये स्टेडियम गए, बड़ा अच्छा किया आपने, आपका इंट्रो भी देखा ऑन कैमरा पीस था, बट वॉज वेरी ट्रिमेंडस. ये बात मुझे बताइए कि 1.5 अरब रुपये उसका हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है. सबसे पहले तो ये मालूम किया गया ये क्या PCB अपने वसाइल से कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, दैट हैड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. और दूसरी बात है एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए. दीज पीपल जो लोग बेचारे पैसे दे के टिकट लेके मैच देखने आते हैं उनको एक वर्थ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एक ऐसा कंजीनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जहां वो क्रिकेट को एंजॉय करें. आपने विकेट देखी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने विकेट का बताया, विकेट पे तो ग्रास ही ग्रास नजर आती है. पाकिस्तान की रिवायत ये रही है कि 2-3 दिन पहले मैच तक विकेट बड़ी ग्रासी होती है, लेकिन ऑन द ईव ऑफ टेस्ट एक दिन पहले उसको बिल्कुल शेव ऑफ कर दिया जाता है और बिल्कुल एक डोसाइल विकेट बना दी जाती है. तो मेरा अपने ख्याल है कि आपको मैनेजमेंट से ये भी पूछना चाहिए था कि विकेट भाई ये जो बना रहे हैं PSL जो ये तीसरा एडिशन खासा कामयाब रहा. साजिद से अभी मेरी बात हो रही थी, साजिद कह रहा था कि पहले 2 एडिशन थे वो इतने कामयाब नहीं थे इकबाल भाई. तो मैंने कहा एब्सोल्युटली यू आर राइट. सारी बात यह है कि जो आपने पिक्चर्स दिखाई हैं अभी उसके हिसाब से तो ये नजर नहीं आ रहा कि 1.5 हज़ार रुपये का काम है, 1.5 लाख रुपये का काम है या 1.5 अरब रुपये का काम है. मतलब देखिए सारी बातें क्वेश्चंस बाक होंगे. एज ए जर्नलिस्ट वी आर अवेयर टू आस्क क्वेश्चन, वी कैन रेज आवर क्वेश्चंस, आस्क पूछेंगे कि भाई ये 1.5 अरब रुपए किसके लिए,
कहाँ गए, वो क्या हुआ? और बाय आई एम वेरी सॉरी टू से इट इज ऑलमोस्ट 7 or 8 days फॉर दिस 25th मार्च और अभी तक काम जारी है अब तक। और सर मुझे मैंने जो देखा काम होते हुए मुझे ये लग भी नहीं रहा कि ये काम कंप्लीट हो भी पाएगा। जिस मुझे लगता है कि जिस कंडीशन में होगा उसी में मैच होगा और उसी में ऑडियंस को आके एंजॉय करना पड़ेगा। देखिए देखिए एक बात सुनिए, आपको ये बताओ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सारी बात ये कि अब तक तो मैनेजमेंट को जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ग्राउंड हवाले कर देना चाहिए था, उनको देख लेना चाहिए था। और दूसरी बात एक आई कुडन अंडरस्टैंड, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज अबाउट दैट कि उन्होंने अभी विकेट को ढापा नहीं है, अभी तक ग्रास उसके अंदर है, एवरीबडी कैन गो। ICC का रूल ये कहता है कि आप विकेट को जब वो इस पोजिशन में आ जाए तो आप उसको पिक्चर्स उसकी खींच के दिखा नहीं सकते, इसलिए कि जो लोग हैं जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा के अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक से एक यहाँ जुगाड़ी पड़ा हुआ है, एक से एक एक्सपर्ट पड़ा हुआ है, दूर से ही देख के विकेट को बता देंगे इट्स एन स्पिनिंग ट्रैक, इट्स ए फास्ट बॉलिंग ट्रैक और इट्स गोइंग टू बी ए बैटिंग विकेट। सारी बात ये, दूसरी बात मुझे ये है कि क्रिकेट नेशन को करीब लेके आती है, यकजहती का समा पैदा हो जाता है। मैं ये देख रहा हूँ, आप ये देखिए कि विद इन 15 आवर्स 15 घंटे के अंदर पूरे टिकट बिक गए, तमाम टिकट अभी टिकट ब्लैक में हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साजिद जी बता रहे कि जो 1000 रुपीज़ का टिकट है वो 4000-5000 में जा रहा है। और सर खबरें ये आ रही हैं कि वो 10000 का भी बिक रहा है 1000 वाला टिकट। एब्सोल्युटली ये बताइए कि 3-4 घंटे के अंदर तमाम कुछ ऐसे आउटलेट्स थे जहाँ से ये टिकट फरोख कर रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं ले चाहूँगा आपकी कोई कमर्शियल उसमें इम्प्लीकेशंस हैं तो, लेकिन वो सारे टिकट बिक गए। मतलब पीपल आर मैड अबाउट दैट, कराची पीपल, मतलब इट वॉज द नर्सरी ऑफ क्रिकेटिंग यार, और इसको आपने महरूम कर रखा, इस बात की सज़ा कौन देगा? आप ये बताइए कि 2-3 साल पहले आपने क्रिकेट को रिवाइव किया उस शहर पे जहाँ के श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को बहाना बना के आपने डिप्राइव किया द हंटिंग लविंग पीपल ऑफ कराची हु वांट टू रियली वॉच गुड क्रिकेट। अब ये इसकी एक मिसाल है, ये देखें दिस इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। हाउ डू यू से दैट के कराची में सिक्योरिटी कंसर्न? अरे भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, अथॉरिटीज ने आपको गारंटी दी है, Why you want to delay with tactics? ये टिकट जो बिके हैं इस बात की खमाजी है। देखें ये 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 क्रिकेट होगा, ये चला जाएगा कि क्रिकेट लवर्स कितने हैं हमारे मुल्क में, लवर्स हैं, मैड है पीपल। आपको ये देखें कोई भी मैच होता है, इसलिए कि गुज़िश्ता इतने अरसे के साथ पाकिस्तान में नेशनल स्टेडियम में आई डोंट नो साजिद विल टेल यू व्हेन द लास्ट मैच वाज प्लेड एट द नेशनल स्टेडियम कराची। People were Sir, 2009 में ही हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट ODI। उसके बाद कोई टेस्ट मैच हुआ था, ODI उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ, तो ये टिकट की फरोख जाए और गेट बनी जो है ना, आपको ऑनेस्टली बताऊं, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्री पासेस नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। काश ऐसा हो जाता, काश अगर ये मेरिट पे डिसीजन हो जाता, थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर, आई टेल यू ऑनेस्टली असफर। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एज एन एंकर आपने खुद जाके देखा, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई आदमी इस वक्त नहीं है हम तीनों में, इसलिए कि आपने उस जगह को देख के आए जहाँ 25 को एक मार्का खेला जाएगा। साजिद खान साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से ये ग्राउंड के मैनेजमेंट को और जो वहाँ पे जो पैसे खर्च हुए हैं, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप सेटिस्फाई हैं कि 1.5 अरब मिलने के बाद जो आज ग्राउंड की हालत देखी आप, तो उससे सेटिस्फाइड हैं कि ये बिल्कुल सही, बिल्कुल पैसे लग रहे हैं जिस तरह की कंडीशन आज हमने देखी है? देखिए असमत, 1.5 अरब 1.5 साल के लिए मिले हैं और ये फर्स्ट उसकी जो आप और हम जिस ग्राउंड में गए, 1.5 अरब रुपये 1.5 साल में इनको लगाने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो नेशनल स्टेडियम क्रिकेट के लिए पास किया क्रिकेट बोर्ड ने। और जिस तरह हमारे सब के लिए जो खालिद भाई बैठे हैं, इकबाल भाई ने बहुत तफसील से बहुत अच्छा कवर किया है, 1.5 साल में इनको लगाना है, ग्राउंड बनाना है, मगर 1.5 अरब बहुत बड़ी रकम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी ऑनर की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट शहर कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 3rd का फाइनल हो रहा है। मैं क्लियर एक बात कर दूं, पाक फौज ने 11 तारीख को ग्राउंड कह दिया था क्लियर है, फाइनल यहाँ कराएं। पाक फौज ने यकीनी तौर पर, आपको याद होगा आर्मी चीफ साहब जो हमारे आर्मी चीफ है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और DG रेंजर्स कोर्ट कमांडर साहब की कोशिशों की वजह से, वजीर अला सिंह और गवर्नर सिंह की कोशिशों की वजह से ये आपने देखा है और PCB के साथ ये मैच हो रहा है। जब आप ग्राउंड में हम मौजूद थे, वजीर अला साहब का दौरा था और जब हम बात कर रहे थे, यकीनी तौर 35,000 ज़्यादा इस ग्राउंड में तमाशाई नहीं आ सकते, 35,000 का क्राउड है जब आप ग्राउंड में मौजूद है, छत ओपन है। अच्छा साजिद खान साहब, हमने देखा था कि अभी जो
خبریں آئی تھی وہ 34,000 تھی پہلے کیپیسٹی، لیکن اس کو کم کر کے 32,000 کیپیسٹی کر دی ہے گراؤنڈ کی۔ اس کی اوریجنل کیپیسٹی سائز 34,000 سم پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے، لیکن اب 32,000 کر دیے، 2,000 کم کر دیے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہو سکتی ہے جس طرح ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ 35,000 2 crore کے شہر میں بہت کم ہے، اور جس طرح نیشنل اسٹیڈیم جتنے خالد بھائی اقبال بھائی تو یہاں پر انہوں نے اتنے میچ کور کیے ہوئے، اگر آپ دیکھا جائے 2 World Cup یہاں پر ہوئے، 87-96 ایشیا کپ کا فائنل ہوا 2008 میں جو سری لنکا اور انڈیا کا، 2009 میں جس طرح یونس خان نے تاریخی 300 run بنائے اس کے بعد میچ نہیں ہوا، اور جس طرح لاہور میں اور جس طرح اٹیک ہوا انڈین نے کھل کے اٹیک کیا، پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کیا، پاکستان سپر لیگ برانڈ بن گیا، دنیا میں اس کی مارکیٹ بنی اور پاکستان کے کھلاڑی اوپر کے سامنے، اور پاکستان نے ICC چیمپئنز ٹرافی جیتی، اور ICC چیمپئنز ورلڈ رینکنگ میں سارا سہرا جاتا ہے اس کپتان کو سرفراز کو جس نے تینوں فارمیٹ میں پاکستان ٹیم کی کپتانی کی، اور وہ نوجوان ٹیلنٹ کھلاڑی ٹیم بنانا چاہتا ہے، ٹی20 میں ابھی بھی ہم نمبر 1 ہیں بالکل، اور اس کو فری ہینڈ نہیں دیا۔ دیکھیں فری ہینڈ کیوں نہیں دیا؟ آج اگر آپ فری ہینڈ دیتے 2019 تک تو آپ نے کوچ کو ذمہ داری دے دی ہے، آپ کپتان کو بھی 2019 تک کی ذمہ داری دیتے، جو حسن علی نے نیوزی لینڈ میں بدتمیزی کی تو حسن علی وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ خالد محمود صاحب، جی جناب، جس طرح کی گفتگو چل رہی ہے گراؤنڈ پہ، جو بات چل رہی ہے، جو ابھی کام تیزی سے جاری ہے لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ نجم سیٹھی نے اب کچھ دن پہلے ہی، 2 دن پہلے ہی اناؤنس کیا ہے 15 تاریخ کو کہ کراچی میں میچ کنفرمڈ ہے، اور 25 تاریخ کو فائنل کراچی میں کھیلا جا رہا ہے، تو یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ گراؤنڈ ابھی تک تیار نہیں ہوا، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ نہیں، کل شام میں نے بھی وزٹ کیا تھا نیشنل اسٹیڈیم، اور مجھے بھی مایوسی ہوئی تھی جس رفتار سے کام ہو رہا ہے، بہت ہی ایک نارمل پیس پہ، جبکہ یہاں وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے تھا، سب ریسورسز موجود تھے۔ اس میں جو میری سمجھ ہے اور جو مجھے ذرائع ہیں ان سے مطابق، یہ تمام جو آپ کہہ رہے ذمہ داری نجم سیٹھی صاحب کی آتی ہے، وہ ڈبل گیم کھیلنے میں حسب معمول مصروف تھے، ان کی بڑی ڈیوبیس ریپوٹیشن ہے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کراچی میں فائنل ہو، یہ بظاہر تو چاہ رہے تھے بالکل، لیکن اندرونی طور پر لگتا تھا، کیونکہ وہ بڑے اس طرح کے چڑیا مار کھلاڑی ہیں جس سے مشہور، تو وہ ایکچولی ڈبل گیم کھیلنا چاہ رہے تھے، وہ وہاں بھی خوش رکھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ ایکچولی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہے، جن کے وہ نامنی ہیں، وہاں کے وہ چیف منسٹر بھی کیئر ٹیکر رہ چکے ہیں، تو اسی لیے جو یہ کرکٹ کے سارے میچز لاہور میں انہوں نے کرائے اپنے ٹینیور میں اور کراچی کو اگنور کیا گیا، وہ تو پریشر پڑا، اور جیسے کہ ساجد نے ذکر کیا اس میں آرمی نے بھی رول ادا کیا بہت پازیٹیو، جس کی وجہ سے یہ یہاں پاسبل ہوا، کیونکہ ایک شہر کو اتنے بڑے کرکٹ کے نرسری کو اگنور کرنا سراسر زیادتی تھی، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ غیر مناسب بات تھی۔ خالد کی بات اس لیے میں سبسٹینٹ کر کے آگے بڑھاؤں گا، خالد نے بالکل یہ صحیح کہہ رہے کہ ان کا ظاہر کچھ اور تھا باطن کچھ اور تھا، اور میں کمپلیٹ کر لوں بات، وجہ یہ نجم سیٹھی صاحب نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے 15 تاریخ کو دیکھیں، یہ ابھی جیسے ہم شو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، یہ اتنے ڈیلیڈ جو انہوں نے ٹکٹس کھولے اوپننگ، اس کی وجہ یہ تھی دیور انشیور، اور وہ چاہ رہے تھے، جیسے ہم بھی اپنے شوز میں ڈسکس کرتے تھے کہ ہم شیور ہم بھی نہیں تھے کہ آیا کراچی کو یہ الاٹ کریں گے بھی یا لاسٹ منٹ پہ کوئی بہانہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ٹکٹس کی جو آپ بات کر رہے تھے اپنے انٹرو میں، اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ کروں، آج میں نے دیکھا ٹی سی ایس کے کچھ آؤٹ لیٹس پہ بہت ہی مطلب کیوٹک سچویشن تھی، ٹیلی ویژن چینلز بھی پہنچے ہوئے تھے، میرا خیال ہے کرکٹ کا تو کراچی میں بالکل کریز ہے اور جنون کے حد تک کریز ہے، لیکن اس میں کچھ گیم بھی ہوا ہے، گیم ان دا سینس کہ کچھ لوگوں نے بلک میں ٹکٹس لے لیے، اور پھر وہ اپنی، اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ 4,000-3,000 منمانی قیمت وصول کریں گے، ایک بلیک میں وہ ایک بات، دوسری بالکل مجھے پتا یہ چلا کل رات میں پی سی بی کی ویب سائٹ کریش ہو گئی تھی، جب ویب سائٹ کریش ہو گئی تو یار عام ایک اس کو ایک عام کرکٹ فین کو جب وہ پہنچی نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے ٹکٹ لے گا، اور پھر ٹکٹ کیسے بک گئے جب ویب سائٹ کریش ہو گئی تھی، تو ٹکٹ کیسے بکے، سوالیہ نشان ایک بہت، کیسے کن آؤٹ لیٹ سے بکے کیسے، تو یہ یقیناً جو اس میں کچھ لوگ جیسے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہی سچویشن یہاں پہ لگتی ہے، اور جہاں نجم سیٹھی جیسے سربراہ ہوں تو ان میں عین ممکن ہے کہ ان کے ہی چند دوست ہوں گے جو اس میں ابلائج ہوئے ہوں گے، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ فائنل اب مجبوری کے تحت پریشر کے تحت وہ کراچی میں کرا تو رہے، لیکن وہ کوشش کریں گے اس سے بھی کچھ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ اقبال جی، میرا اپنا ذاتی خیال یہ بھی ہے، آنیسٹلی بتاؤں، ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے پھر کنٹینیو، ایک یہ سوال یہ ہے کہ رائیون میں جو کل ایک مس اپ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب جو انٹرنیٹ سیمی فائنل قریب آ رہا ہے تیزی سے، اور جو کل پلے آفس، تو پلے آفس جو آ رہا ہے، تو اس میں یہ جو حادثہ ہوا ہے تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اس وقت؟
देखिए एक सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि कोटिया ग्लैडिएटर्स के कुछ खिलाड़ियों ने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है कि वेदर दे विल बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान और नॉट फॉर दिस प्ले ऑफ्स। दूसरी बात यह है वाकया लाहौर में हुआ है, वाकया कराची में नहीं हुआ है। लेकिन सर पाकिस्तान क्रिकेट को तो नुकसान पहले दो मैचेस तो लाहौर में है ना, प्ले ऑफ से पहले दो मैचेस लाहौर में है, कंसर्न है। और दूसरी बात है कि आप क्या समझते हैं कि लंदन में बॉम्ब अटैक्स नहीं हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अटैक्स नहीं होते क्या, स्कूल के अंदर क्या, इज इट नॉट जो स्कूल में अटैक्स होते हैं, एक सिनेमा हॉल में एक बंदा 27 आदमी को मार देता है और उसका नाम क्या मिजोरी में जो फर्गुसन एक सिटी है वहाँ लोग जो है ब्लैक्स एंड वाइट के क्लैशेस नहीं होते क्या, इज इट नॉट सिक्योरिटी कंसर्न। इसको बहाना बना के मैं जो फ्रेंचाइज के लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें उसमें ये लिखें नेक्स्ट टाइम, इन्होंने क्यों नहीं लिखा, दे शुड राइट कि दे विल वन वे और द अदर किसी भी सर्कमस्टांसिस में दे हैव टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। ये व्हेन यू आर गिविंग, व्हेन यू आर ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आप पैसे भाई वो पॉसिबल नहीं इकबाल भाई, तो ट्रेवल एडवाइस होती है उस रेस्पेक्टिव देखिए नहीं देखिए 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 ट्रेवल का नेशनल होता नहीं तो फिर ट्रेवल आप ये नहीं समझते एक और ये बहाना मिल गया उनको नहीं एक रीजन मिल गया रीजन हो गया भाई खालिद भाई ट्रेवल एडवाइस उसके लिए डिप्लोमेट्स वगैरह के लिए होता है या तो फिर नहीं तो फिर यू डोंट कम नहीं तो फिर यू डोंट कम शारजा उनको अलाउड है दुबई अलाउड है बट पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए भी अलाउड है पाकिस्तान में पीपल यूज्ड टू कम आप क्या समझते हैं इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग दे यूज्ड टू कम वो नहीं है क्या और दूसरी बात आपकी अपनी भी जान भी तो है आपके अपने भी तो प्लेयर्स हैं मतलब आर यू गोइंग टू सैक्रिफाइस देम आई डोंट बिलीव इन दैट और दूसरे व्हेन यू हैव बीन परचेस्ड आपको पैसे दे के खरीदा तो फिर तो आपको आना पड़ेगा आपने उनके क्रिकेट खरीदी है ना आपने उनके लाइफ नहीं खरीदी है नहीं लाइफ नहीं खरीदी बात दरअसल वो अपने अपने नेशनल तो वो अपने इंग्लैंड का है न्यूजीलैंड का है कोई चीज भी देखिए कोई कोई चीज अननेचुरल डिजास्टर कहीं भी हो सकता है नहीं नहीं लेकिन वो नहीं आप बताएं साजिद नहीं कह रहे हैं इस बात को नहीं कह सकता मैं ही कह रहा हूं प्लेयर्स को आना चाहिए इसलिए कि पीएसएल जो है ये जो ग्लैमरस क्रिकेट बनी है एंटरटेनमेंट क्रिकेट बनी है ये फॉरेन प्लेयर्स की वजह से बनी है तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको ब्रेवरी दिखानी चाहिए चाहे रायविंद का वाक़ा हुआ अफसोसनाक वाक़ा है नेचुरली उसके इम्प्लीकेशन होते हैं हमें पता है कि सिक्योरिटी कंसर्न दिए ये नहीं है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री अगर है तो खुदा न खास्ता यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न हर वक्त रहते हैं आई डोंट बिलीव इन दैट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इंडिया में अटैक्स नहीं होते बिल्कुल होते श्रीलंका में नहीं होते मैचेस हो रहे हैं वहां पे वन ऑफ द मोस्ट टेररिस्ट कंट्री जहां श्रीलंका में ऐसे थे इतनी जंग होती थी कि लेकिन वहां क्रिकेट होती थी व्हाई बात ये देखिए बात ये जब क्वेटा के फाउंडर प्लेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ नदी उमर साहब को उसी तौर पे उसको रोकना चाहिए था इकबाल जमील साहब या खालिद भाई बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं सवाल ये पता है फ्रेंचाइज आपको हायर करती है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देती है और आप पे लागू होता है आप उस कंट्री पे ना जाने की वजह क्या है आप आईपीएल खेलने इंडिया जा रहे हैं आप इंडिया में भी है उसने जो मना किया है उसकी वजह क्या थी नदी उमर साहब को वहां पर एक्शन लेना चाहिए था क्यों ना लें क्योंकि आप हमारे मुल्क की कंट्री में पाकिस्तान सुपर लीग के दो सेमीफाइनल और फाइनल हो रहा है और उससे पहले भी आप बैकफुट पे चले गए लाहौर में जब फाइनल हुआ तो आपने उस वक्त भी मना किया मेरा मौकअप क्या खालिद भाई का मौकअप या इकबाल जमील साहब का मौकअप क्या आपका पॉजिटिव है पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब कौन बनाएगा ये फ्रेंचाइज के मालिकानों की उन खिलाड़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें ये आपकी जिम्मेदारी है आप उनको सोने का निवाला देते हैं सोने का निवाला खिलाते हैं तो आप उनसे सोने का निवाला वाला पॉजिटिव लें आपके पिशावर के जो जावेद आफरीदी वो अपनी पूरे फ्रेंचाइज के खिलाड़ियों को लेके आते हैं क्वेटा के जो जो फॉरेनर प्लेयर हैं उनका बहुत बड़ा नाम है और बड़े प्लेयर रह चुके हैं और उनकी देखा था पिछले पीएसएल में भी वो नहीं आए उन्होंने वो वाजे तौर पर उनको मना नहीं करना चाहिए उन्होंने भी हाल ही में मना किया है तो सारा कुछ जाता है नदीम उमर साहब साहब को नदीम उमर साहब को मना करना चाहिए था देखें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मगर ये ना बोलें मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा इसका मतलब क्या होता है आपकी कड़ियां इंडिया से मिलती हैं जो यकीनी तौर पर हर दौर में आपको बैकफुट पर रखने की कोशिश करता है हर दौर में आपका नाकाम करना चाहता है क्यों वो देखना नहीं चाहता जिस तरह हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उनको फाइनल मारा है वो आज भी रो रहे होते हैं सुन रहे होते हैं दोबारा हमसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते जिस तरह पीएसएल से टैलेंट दरियाफ्त हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग है जिस तरह के यंगस्टर परफॉर्मेंस दे रहे हैं सर ब्रेक ले लें ब्रेक के बाद आगे एक साजिद की बात बिल्कुल सही उन्होंने कहा दूसरी बात यह है कि आप ये जो मैचेस हो रहे हैं लीग मैचेस ये जो मैचेस पीएसएल किस बैनर के तहत खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान सुपर लीग है तो इट मींस यू हैव टू फॉलो दैट ये किसी और आईपीएल नहीं खेल रहे या केकेएल नहीं खेल रही है बीपीएल नहीं खेल रहे व्हेन यू आर प्लेइंग अंडर द बैनर एंड अंडर द नेम ऑफ पीएसएल यू आर बाउंड टू कम
ये कोई बात नहीं हुई है कि मतलब आपने ये समझा ये फ्रेंचाइज की गलती है, उनको चाहिए था कि उसको ये बाउंड करते कि यू हैड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। सर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आके हमारे जो यंग टैलेंट आ रहा है पीएसएल से उस पर बात करेंगे, ओके किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो और आने वाले मैच में आने वाले जो मैचेस हैं जो पाकिस्तान टीम है उसके लिए वो कितने अच्छे साबित हो सकते हैं। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय साथ हो हबीब तो मंजिल अपने नाम है। हबीब मेट्रो, स्टे अहेड। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो पीएसएल जो है वो जो यंगस्टर के लिए कितना ये मुफीद साबित हो रहा है और आने वाले जो टीम है हमारी आने वाली कितनी स्ट्रांग होगी, कितने यंगस्टर हैं जो परफॉर्मेंस देके टीम में शामिल हो सकते हैं। सर हम वो सलाउद्दीन सल्लू साहब का पहले जो उनसे हमारी खसूसी गुफ्तगू ये पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो एक पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम सलाउद्दीन साहब हैं, सलाउद्दीन सल्लू साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू चेयरमैन हैं साउथ के, इनसे बात करते हैं। सर पीएसएल जो है, पीएसएल का जो स्टार्ट है ज़बरदस्त स्टार्ट है, यंगस्टर के लिए कितना ये मुफीद है जो पीएसएल हमारा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले दौर में हमें काफ़ी सारे यंगस्टर पीएसएल के थ्रू मिल रहे हैं और अभी भी टीम में हमारे नेशनल टीम में खेल रहे हैं, तो यंगस्टर के लिए कितना एडवांटेज है कि वो अपने आप को मनवाएँ इस पीएसएल में। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए इससे दो तीन चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। एक तो यंगस्टर्स का जो आपने बात की, ये नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन ये है कि देखिए एक तो एक्सपोजर मिल रहा है उनको, फिर जो उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बैठते हुए बहसियत क्रिकेटर मैं आपको बताता हूँ कि उससे आप बहुत, जैसे सर विवियन रिचर्ड है उनसे खाली आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के 10 चीज़ें पता कर सकते हैं, इसी तरह वसीम अकरम है, इसी तरह वकार यूनुस हैं, ये लोग हैं। तो यंगस्टर्स को दो फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो उनको क्रिकेट अच्छी मिल रही है, दूसरा माली फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब ये बाहर जाते हैं वहाँ खेलते हैं तो 10 से 12,000-15,000 डॉलर जिसकी जो वर्थ होती है वो उसको देते हैं अपार्ट फ्रॉम फॉरेन क्रिकेटर्स। तो और उसी को हमारी सिलेक्शन कमेटी भी मॉनिटर करती रहती है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि जिन लड़कों को, जैसा शादाब था उसको, फ़ख्र जमान था उसको, उसने आपको चैम्पियनशिप दी थी, हसन अली बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो जो आगे आए और इन्होंने पाकिस्तान के लिए वो कारनामा अंजाम दिया कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के लिए आए। फिर सरफराज के लिए बहुत अच्छा है कि केविन पीटरसन है, वाटसन है, इनको लीड कर रहे हैं, ये मामूली प्लेयर नहीं है, इनसे ये सीखते भी बहुत चीज़ें हैं और इनसे ये एक बहुत बड़ा फ़र्क नौजवानों को मिल रहा है। जिस पर अभी आपने देखा है कि हैदराबाद का लड़का है, 15 साल का है वो अभी, एहतशाम शेख, तो अब देखिए 15 साल क्या उम्र होती है, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल की एज में टेस्ट क्रिकेट खेला, लेकिन 15 साल एक बड़ा टेंडर एज होती है। तो उसमें ये मैं उनके जो ओनर हैं आफरीदी साहब, उनको भी, जावेद आफरीदी को भी देता हूं और उनके जो कोच हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने उस पर भरोसा किया। उसके अलावा आप देखते हैं मोहम्मद नवाज़ आला खेल रहे काफ़ी दिन से, लेकिन इस जो उन्होंने गेंदें की हैं वो वाकई में नया गेंद उन्होंने किया, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, तो उन्होंने आपने देखा होगा कमाल कर दिया, 4 ओवर में 4 रन दे के 2 आउट किए। और मैंने बहुत कम देखा है कि 2020 में 24 बॉलों में से 20 बॉल डॉट बॉल हो जाए, तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, सिलेक्शन कमेटी देख रही है और मेरे ख्याल में इससे बड़ा इस्तेफादा होगा यंग। सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट पे अगर थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट अभी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह एक हम देखते थे कि पहले होती थी, तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए पीसीबी क्या काम कर रही है? देखिए इसमें दो बड़े अहम किरदार हैं, एक हारून रशीद साहब हैं जो नेशनल और डोमेस्टिक को, और एक शकील शेख साहब हैं जो एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं और इन्होंने क्रिकेट की बड़ी खिदमत की हैं, और ज़ाहिर है दोनों क्रिकेट की समझ रखते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे माजी में हमारी दौर में होती थी सभी टेस्ट क्रिकेटर्स खेलते थे, तो अगर ये टेस्ट क्रिकेटर्स भी आ जाया करें और मुख्तलिफ जगहों पर मैचेज होते हैं, कहीं पर पिच आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट उठा के देखें फास्ट बॉलर हमेशा पंजाब से मिलेगा आपको, हमेशा आज तक पंजाब से मिल रहे हैं, इसलिए बैट्समैन और विकेट कीपर कराची से, उसकी वजूहत हैं, मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, उसकी वजूहत यह है कि वो हाथ पैर के अच्छे होते हैं और उनको
पिच से बड़ी हेल्प मिलती है। कराची में बैटिंग ट्रैक्स होते हैं तो हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ अकबाल, जावेद मियाँदाद जैसे अजीम खिलाड़ी यहाँ से पैदा हो। फिर आप इम्तियाज़ साहब के बाद जितने विकेट कीपर आए वो आमतौर से उनका ताल्लुक कराची से, चाहे सलीम यूसुफ हो, चाहे मोइन खान हो, चाहे राशिद खान हो, अभी जो मौजूदा कप्तान हैं आपके सरफराज, इनका भी ताल्लुक यहीं से। तो मैं फिर यही कर रहा हूँ, इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से फास्ट बॉलर निकलता है, इंडिया से स्पिनर निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? इन्होंने हमेशा, इंडियंस ने स्पिनर से रूल किया, चाहे वो बेदी हो, पर्सना हो, या चंद्रशेखर हो, या हरभजन हो, इसलिए कि अंडर प्रिपेयर्ड विकेट बनाते हैं। अंडर प्रिपेयर्ड, हाँ, अंडर अश्विन है तो अंडर प्रिपेयर विकेट वो होती है जिसपे रोल कम करते हैं, गेंद ग्रिप लेना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा फास्ट बॉलर से रूल किया, चाहे वो इमरान खान हो, वकार यूनुस हो, वसीम अकरम हो, या शुएब अख्तर हो, इन्होंने हमेशा फास्ट बॉलर से रूल किया। तो अभी हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है इस टीम में, ये टीम अभी उस मरहले में दाखिल हो रही है कि क्रिकेटर बन रहे हैं, अभी स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स नहीं हैं जैसे माजी में थे। तो ये चीज़ें देखना पड़ेंगी और इंशाल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है जितना टैलेंट है पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। बस आपसे आखिरी कुछ लम्हात चाहिए, और जो सरफराज की कैप्टनसी पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि सरफराज कैप्टन शायद ना रहें, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सरफराज में हमने देखा PSL में भी काफ़ी प्रेशर था, अब जो क्वेटा ग्लेडिएटर ने कमबैक किया, बड़ा ज़बरदस्त किया गया, तो सरफराज को कैप्टन रहना चाहिए 2019 के वर्ल्ड कप तक? मेरे ख्याल में रहना चाहिए, मेरे अपनी जाती राय है। वजह देखिए ये है कि सरफराज ने, मैंने शुरू से देखता आया हूँ, जब मैं चीफ सेलेक्टर था, जब हमने इनको चांस दिया था, तो इन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया था, इन्होंने KCA को लीड किया, इन्होंने PIA को लीड किया, इन्होंने पाकिस्तान को लीड किया, इन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि बहुत अच्छी टीम है, जिसका भी जिक्र किया था कि इन्होंने केविन पीटरसन और वॉटसन जैसे प्लेयर्स को लीड कर रहे हैं, और इनके जो कोच है मोइन खान वो अथॉरिटी हैं क्रिकेट पे, जैसन रॉय आ गए, तो इन लोगों को लीड करना। तो ये कहना, देखिए क्रिकेट खेलना अलग है और क्रिकेट की क़यादत अलग है, क्रिकेट समझना अलग है और क्रिकेट खेलना अलग है। इस तरह आपको एक मिसाल देता चलूँ, मरहूम अब्दुल हफीज़ कारदार साहब होते थे, तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दौर में, उनके दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद साहब, तो वो फजल महमूद साहब से आउट कराते थे। जब फजल महमूद साहब खुद, ये मैं हद तक नहीं कर रहा, लेकिन जब वो खुद कप्तान बने तो इतने आउट नहीं कर पाए। तो कप्तान बताता है आपको किधर गेंद करनी है, किस क्या फील्ड लेनी है, किस प्लेयर को किधर आउट करना है, तो काम है, काम लेना, और वो एक माहिर नफ्सियात होता है, उसको पता होना चाहिए किस प्लेयर को डांट के काम ले सकता हूँ, किसको इंसेंटिव दे के काम ले सकता हूँ, और किसकी हौसला अफजाई करके काम ले सकता हूँ। क्योंकि अगर जिसकी हौसला अफजाई करना है उसको आपने ज़्यादा सरजनिश की तो उसका परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें कप्तान में ज़रूरी हैं, जो कि सरफराज में हर चीज़ मौजूद है। अब उन्होंने अपने आप को चेंज भी किया है, थोड़ा आपने गौर किया होगा, अब इतनी बातें नहीं करते, लेकिन ये इनके इतनी बातें इसलिए चलती थी, ज़्यादा आती हैं क्योंकि विकेट की के करीब खड़े होते हैं, माइक वहीं होता है। पहले कप्तान मिड ऑफ पे खड़े होते थे, मिड ऑन पे खड़े होते थे, या कोई अगर सख्ती भी करते थे तो आवाज़ नहीं आती थी। थैंक यू सो मच, ये सलाउद्दीन सल्लू साहब हमारे साथ मौजूद थे, PSL जो कराची में कुछ दिनों बाद जो होने वाला मैच है उसके हवाले से बात कर रहे थे। थैंक यू। जी इकबाल जमील साहब, मैं ये इंटरव्यू देखने के बाद मुझे सलाउद्दीन साहब जो हैं ऑफ स्पिनर है पाकिस्तान की तरफ से, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बड़े, और क्रिकेट की जो पाकिस्तान में चंद लोग हैं ना, एक तो खैर खामखा में वो क्रिटिक बन गए, कोई वो बस एंकर बन गया, कोई लेकिन सलाउद्दीन सल्लू साहब ने क्रिकेट की सूझबूझ बहुत रही, इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को बड़े अच्छे अंदाज में वो किया। बस सिर्फ एक बात मैं उनके बारे में कह चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि लाहौर से और फाटा वगैरह से फास्ट बॉलर्स आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कराची ने भी ये एक सबूत पैदा किया था, सिकंदर बख्त जिसने दिल्ली में उस वक्त फिल्म चल रही थी मुकद्दर का सिकंदर, तो सिकंदर बख्त ने 8 विकेट आउट कर दिए थे, और ही वॉज ए जेन्युइन फास्ट बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर थे। सलाउद्दीन साहब की बात बिल्कुल सही है कि उनकी बात भी आप देखिए गौर से सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इतना पैसा खर्च हो रहा है, प्लेयर्स को ये इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है ग्रूमिंग करने में आसानी होगी, उनको ग्रूमिंग करने में, और उनको खेलना चाहिए, मतलब ये पैसे खर्च हो रही है, इससे गेम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मनी, व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी द प्लेयर्स शुड कम। कोई मतलब कोई सोने का नहीं पैदा हुआ, हम गोश्त पोछ के नहीं है, हमारे खिलाड़ी भी जनाब गोश्त पोछ के, वो भी गोश्त पोछ के। तो ये चीज़ कि टूर एडवाइस, आई डोंट एग्री विद दैट, जब आप टूर एडवाइस आता है तो आप इंग्लैंड चले जाते हैं, आप USA लास्ट ईयर इंग्लैंड में कितने एक्ट ऑफ टेरर हुए आप मुझे बताइए, फ्रांस में कितने हुए, बेल्जियम में कितने हुए, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल नेशन, लेकिन हुए, ये तो होता रहता है अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया ऐसे ही चलती है माय डियर।
बहुत इंपॉर्टेंट सलाहुद्दीन सलीम साहब की आई बहुत अच्छी है, जो चीफ सेलेक्टर जो यकीन नवाज की बहुत तारीफ की है, बिल्कुल। हमने भी 87 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया साइड में खिलाया था, आपने भी सुना होगा प्रोग्राम के दौरान, तो इन्होंने खिलाया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान को दिए एज ए चीफ सेलेक्टर। इकबाल जमील साहब ने बात की पाकिस्तान के लिए 13 दफ़ा सेलेक्टर बनना है, चीफ सेलेक्टर बनना, रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और बड़े हम्बल इंसान है, बड़े आप भी मिले, और ऐसे लोगों को होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सलाहुद्दीन साहब की कंट्रीब्यूशन एज ए टेस्ट क्रिकेटर वो इतने कामयाब नहीं रहे थे, कुछ वजूहत के मतलब नहीं कर पाए डिलीवर, लेकिन एज ए सेलेक्टर, एज ए चीफ सेलेक्टर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और बिल्कुल साजिद ने सही कहा, ही हैड एन ईगल आई, वो टैलेंट को परखना जानते थे, उसको ग्रूम करना जानते थे, और जिस पर वो जिसको वो ग्रूम करते थे और जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे वो परफॉर्मेंस भी देता था, उसने अक्सर डिलीवर किया है। सलाहुद्दीन साहब क्रिकेट को बहुत अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट ब्रेनी कैरेक्टर्स हमारे कंट्री में, बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट को इतनी बारीकी से और अच्छा समझते हैं, और बहुत शफीक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान, बहुत जबरदस्त, में कोई शक नहीं। और एक इनका जो मुझे बहुत अच्छा असेसमेंट याद है, ये बड़ा मतलब आप लोगों ने भी शायद सुना हो, ये जब 2008-09 उस पीरियड में इंडिया की बैटिंग जो थी उस जमाने में वो वर्ल्ड क्लास थी, उनके 6 या 7 बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हुआ करते, तो सलाहुद्दीन साहब हमें समझाते थे डिस्कशन में कि यार टेस्ट मैचेस हमेशा बॉलर्स जिताते हैं, लेकिन इंडिया दुनिया की वाहिद साइड है जिसे बैट्समैन जिता रहे हैं, बैट्समैन इतना स्कोर 600 रन का कर देते हैं कि वो बॉलर इंडिया के जो अदरवाइज इतने अच्छे नहीं है, कुंबले हरभजन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जब वो 600 रन जब बैट्समैन बना देते हैं वो तो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते थे, फील्ड लेकर वो दूसरी टीम को आउट कर देते हैं, तो ये वो स्ट्रेटेजी थी। तो सलाहुद्दीन साहब ने बड़ा अच्छा, मुझे इसलिए याद है, उन्होंने कहा इंडिया दुनिया की वाहिद टीम है जो बैटिंग से टेस्ट मैच जीतती है, इसने नया एक कॉन्सेप्ट दिया, वरना इतनी अच्छी किसी की बैटिंग नहीं होती कि 600 रन इतने लगातार बनाए। सर आज के मैच पे बात कर लेते हैं, कराची वर्सेस पेशावर जलमी, पेशावर जलमी ने आउट क्लास कर दिया 181, जिसमें कामरान अकमल की ज़बरदस्त इनिंग 75 रन की, तो ज़बरदस्त कमबैक रहा पेशावर जलमी का आज, और कराची 137 रन पे जो ढेर हो गई, क्या कहेंगे कराची के लिए आने वाले मैच में, बड़ी मुसीबत हो सकती है, उन्होंने खुश हो सकता है, एक मतलब एक कहते हैं ना एक हरी झंडी लाल बेल उन्होंने बजा दी है। देखिए मैं सरफराज की इनिंग से ज़्यादा डैरेन शमी की इनिंग्स को मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ी आउट क्लास इनिंग खेली, और आज डैरेन शमी जो थे वो जो पेशावर जलमी के थे एक एजाइल एक सुपर फिट कप्तान नजर आ रहे थे, हर गेंद के पास फील्डर्स के पास जाते थे, बॉलर्स के पास जाते थे। कामरान अकमल के इनिंग्स अच्छी खेली है, लेकिन मैं ये कहूंगा बहुत देर की मेहरबान आते आते, आते, आते। तो वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी भी पेशावर जलमी इज इन द रन एंड वेरी मच, अगर वो मैच जीतते हैं दूसरा जो उनका मैच है तो फिर आखिरी मैच होगा, और फिर जो है फिर आपको प्ले ऑफ के लिए एक टफ फाइट नजर आएगी आपको, इसलिए कि आज कराची किंग्स मैच हार गया तो मतलब नेचुरली इसके पॉइंट टेबल पे असर पड़ेगा। और दूसरी बात, और नेक्स्ट मैच भी कराची का भी डू एंड डाई मैच है, कराची को भी लाजमी मैच जीतना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो मैच है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना टेम्पो बना लिया है, अब उस टेम्पो को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, ये मैं आपको बताऊँ। और दूसरी बात ये कि डैरिल समी मुझे वो पहले दिन वाले दूसरे दिन वाले मैच वाले डैरिल समी नजर आ रहे थे, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि ही इज एन इंजरी अफेक्टेड प्लेयर, ही प्लेड विद ब्रेन, और आज उन्होंने एनर्जी थी, आज उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की पहले, और ये उनको पे ऑफ कर गया। देखिए कप्तान की यही होती है, इस वक्त सरफराज एज अ वाहिद कप्तान है इस पूरे टूर्नामेंट में जो टॉस जीत के ऑपोजिट साइड को बैटिंग करवाता है, इसलिए कि उसको पता है कि उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। सरफराज जैसे सलाहुद्दीन साहब ने जो हम सलाहुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं वो क्रिकेटिंग ब्रेन रखने वाले आदमी है। खालिद ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने टेस्ट इतने ज्यादा नहीं खेले लेकिन उनका क्रिकेटिंग ब्रेन बड़ा जबरदस्त था, दैट्स व्हाई ही इज अ सक्सेसफुल कैप्टन। साजिद खान साहब आज कराची के लिए कितना डैमेजिंग होगा जो आज वो हारा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, इस गुफ्तगू को इस तरह क्योंकि हमारे इतने बड़े जो दुनिया ने खास तौर पर खालिद महमूद साहब, इकबाल जमील साहब जिस तरह इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, और वो गुफ्तगू हो रही है जो किसी और चैनल पर आपको नजर नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगी, देखी नहीं जाएगी। बात ये होती है आप वो बात करो जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन हमारा खेला जा रहा है, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। जब तक कारीगर काम ना दिखाए 10-10 मैच खेले जाते हैं, 34 मैच खेलने हैं हर टीम ने। आपने देखा मुल्तान की हाइट कितनी बड़ी हुई थी, कहाँ गई मुल्तान, कराची की मार्केटिंग कितनी हुई। देखिए क्रिकेटर जो होते हैं जेंटलमैनों का खेल होता है,
होता है। आप शो बिजनेस वाले जाके क्रिकेट थोड़ी खेलते हैं, आप क्या चांद चांदी लगाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग फेल हो गया, फेल क्यों हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मार्केटिंग टीम है वो काम सही निकल सकी, लोगों को ग्राउंड में लेके नहीं आ सकी। ये किसके काम है? ये हमारे काम नहीं है। देखिए, आपकी जो फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयरों को हायर किया हुआ है, जिसने इस मुल्क के लिए एक वनडे खेला हो, एक मैच खेला हो, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती है। उसको भेजें पाकिस्तान सुपर लीग देखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 70 लोगों को भेज दिया मीडिया में, नायला भट्टी और अमजद भट्टी ने 70 लोगों से पूछो कौन मेरिट वाले गए, आपको भेजा? आप एक प्रोग्राम करो, आप एक साथ शो कर रहे हैं। तो बात ये होती है, जो $1,000 ले लेते हैं, $1,000 लेने के बाद बोर्डिंग लॉजिंग लेते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाफ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग थर्ड एडिशन फेल इसलिए हुआ क्यों? आपके पास टैलेंट नहीं है। कि कहाँ टैलेंट है आप मुझे बताइए। पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट सेकंड एडिशन में आप फकर को देख लें, असगर को देख लें, शादाब को देख लें, रुमान रईस को देख लें, तमाम प्लेयर आए आज पाकिस्तान सुपर लीग के थर्ड एडिशन। इन प्लेयर की कारकर्दगी देख लें। आखिरी मैच में फकर जमान रन बनाते हैं, भाई 10 मैच में तो आप बनाओगे 1,00,000 रुपये आप ले रहे हो, 1,00,00,000 रुपये आप ले रहे हो, और इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने मैचेस खेल रहे हो, आपको भी आगे जाना है। पाकिस्तान आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपने देखा आपने एक सिस्टम में नहीं है, कौन नहीं है? हफीज। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किसने रन बनाए? हफीज। आपकी कोच से अनबन हो गई, आपने उसको गायब कर दिया। सुहेल खान बेस्ट बॉलर था, आज सुहेल खान और कल उसकी लड़ाई हुई, किसका कसूर है ये? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं, फ्रेंचाइज का कसूर है। अगर पूरी दुनिया में इमेज खराब जा रहा था, यासिर शाह और सुहेल खान को लड़ना चाहिए ग्राउंड में, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। इमेज खराब हो रहा है ये पाकिस्तान का, तो फिर किसका काम है? एम्पायरिंग किसकी खराब हो रही है? पाकिस्तान सुपर लीग के थर्ड एडिशन में मायूस खून एम्पायरिंग हुई है। अलीम डार दुनिया का बेहतरीन एम्पायर है, 9 बॉल नजर नहीं आ रही, अब थर्ड एम्पायर को रेफर कर रहे हो यार, क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार? कारीगर का काम उरूज पर है, कारीगर जब तक काम नहीं दिखाएगा 2020 इस तरह नहीं चलती। अच्छा साजिद खान साहब, ये जो आपने बातें की इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? PCB चिड़िया वाला बाबा, तो उनसे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है उनके लिए? देखे PCB चेयरमैन हमने देखे हैं, पिछले भी PCB चेयरमैन आए, चेक एंड बैलेंस किसी का भी नहीं हुआ, तो चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का? नहीं तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग जिन्होंने 11 करोड़ के लिए आज 90 करोड़ की पहुंच गई है, आज की महंगी टीम मुल्तान सुल्तान 70 करोड़ में आई है, अब 90 करोड़ में टीम अब ओपन होगी, बीट क्या होगी? अब आने वाले वक्त में ओपन बीट होगी, तो आप उसका मतलब समझते हैं ना, जब ओपन बीट होगी, जो फ्रेंचाइज ने 10 मैच खेला, 10 मैच कोई भी नहीं जीता है, 10 मैच किसी ने नहीं जीतने, क्योंकि आगे आपको 4 टीमें आना है, फर्स्ट थर्ड और जो 2 और 3 खेलेंगे। जी खालिद महमूद साहब बड़ी ब्रीफली, नहीं बिल्कुल साजिद बिल्कुल सही तर्जुमानी कर रहे हैं, और मतलब बिल्कुल ही इज एब्सोल्युटली राइट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और बिल्कुल सारे जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की है, और बिल्कुल क्योंकि वो अबव द लॉ है, वो एक्चुअली अबव द लॉ है, वो आपने सवाल पूछा वो किसी को जवाबदेह नहीं है, और इसीलिए क्यों सर, क्यों पाकिस्तान में सिस्टम ही अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसकी वजह चेक एंड बैलेंस। आपको क्या लगता है अगर चेक एंड बैलेंस हो तो नजम सेठी साहब जवाब दे भी सकेंगे या नहीं? नहीं दे सकेंगे, उसकी वजह आप सवाल बताए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लॉ है। फ्लॉ असवर यह है कि पिछले सालों में सरबराहान जो क्रिकेट बोर्ड के थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया करते थे, देखो जबकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद एक सेरेमोनियल पोस्ट रही, ठीक है, और अब 2013 से जब से नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील किया, ये तो बड़ी खुशी की बात थी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तब्दीली आए कि पैटर्न प्रेसिडेंट से चेंज होकर प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा खुद तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा इस मुल्क में? बिल्कुल, तो आपका सवाल तो इसीलिए ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में, इवन इंडिया जैसा जहां करप्शन के बड़े इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट आता है क्रिकेट बोर्ड पे, उनकी भी चीजें ठीक, तो हम यही सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं इन हालात में, चीफ जस्टिस साहब हर नोटिस लें, चीफ जस्टिस साहब हर तरफ देख रहे हैं वो बेचारे, अपनी मतलब इतनी केसेस भी निपटा रहे हैं लेकिन वो उनकी चारों तरफ नजर है, एंड ही इज लुकिंग एट, ऐसी ऐसी चीजों को उन्होंने सामने लाई हैं, सुमोटो एक्शन लिए जिससे पब्लिक का वेलफेयर हुआ, पब्लिक का फायदा हुआ, तो साजिद खान मुझसे एग्री करेंगे मेरे ख्याल से, एक क्रिकेटर है कि क्रिकेट कम्युनिटी के खातिर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए ये बेकायदगियां जो हमारे नजम सेठी साहब ने मुसलसल की हैं इसका भी नोटिस लिया जाए, अभी 1.5 अरब रुपए की जो आपने बात की इसका रिकॉर्ड तलब किया जाए, और जो चीज़ें इन्होंने कहा कि PSL में जो बेकायदगियां हुई जो ऑडिट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, देखिए ये पब्लिक मनी है, सेठी साहब की प्राइवेट मनी नहीं है, फ्रेंचाइजेस
फ्रेंचाइजेस पब्लिक वो है, प्राइवेट है, वो अपना जो करे नहीं करे ठीक है ना, वो एक अलग है, वो अपना ऑडिट जानेगी। लेकिन जहां तक ये क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पब्लिक बॉडी है, ये प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये टैक्स पेयर्स बनी है। इसको सेठी साहब अपनी मर्जी से नहीं उड़ा सकते कि किसको $1,000 दे दिए, किसको $1,00,000 दे दिए, ठीक है। तो सेठी साहब इज ओनली एंड ट्रूली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कियोस एंड ही मस्ट बी टेकन टू टास्क। और ये काम मेरे ख्याल से इस हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं करेंगे ना, वो तो उनका वो नॉमिनी है, तो इसका काम ये चीफ जस्टिस साहब ही कर सकते हैं और सू मोटो एक्शन लेना चाहिए। साजिद साहब क्या कहेंगे? देखिए इकबाल भाई और खालिद भाई जो बात कर रहे हैं और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान सुपर लीग थर्ड एडिशन बहुत पॉजिटिव है। पाकिस्तान सुपर लीग सेकंड की ओपनिंग मैच में मैच फिक्सिंग में होती है, आपको दो टैलेंटेड खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, कलर आजम साहब पकड़ लेते हैं, आईपीसी भी आईसीसी काम दिखा देती है, उसके बाद क्या होता है उनको पहली फ्लाइट पे वापस भेजते हैं। मौजूदा साबिक चेयरमैन जो ये शेरियार साहब उसी फ्लाइट में आते हैं, उनसे बात नहीं करते। आज पाकिस्तान सुपर लीग थर्ड एडिशन होता है, आवाज आती है बांग्लादेश बुकी आ गया, कहां गई तस्वीर, कहां गया वो भाई, बात ही हो रही है वही चीज को आप पहले दबा देते, अपने घर को कौन लाख लगाता है अपने चरागों से। पाकिस्तान सुपर लीग आपने काम करना, मार्केटिंग ठेका आप देते इंडियन कंपनी को, बात क्या हो रही है इंडियन, आपने पाकिस्तान सुपर टेन होता है क्यों करा रहा है, इंडियन कंपनी करा रही है। शारजा में काम हुआ, अजवान में क्रिकेट हुई, आवाज उड़ गई सलमान भट्ट साहब और असन नदा साहब पे आवाज उड़ गई, तो भाई वो जगह ही गढ़ है जुए की। आज पाकिस्तान सुपर लीग का फोर एडिशन पाकिस्तान में होगा, वो आपकी कामयाबी है। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का थर्ड एडिशन जैम पैक क्राउड होगा, शहर कराची के लोग देखने के लिए बेबस हैं, पागल हुए हैं टिकटों के लिए, तो क्यों, क्रिकेट लवर हैं। इस पाकिस्तान की आवाम 20 करोड़ आवाम क्रिकेट से लव करती है, जुनून है। जिस तरह पाकिस्तान के पाक फौज के आर्मी चीफ साहब तमाम एजेंसियां स्पोर्ट लवर हैं, तो आवाम भी बहुत स्पोर्ट लवर है। हाँ मैं कहूँगी आखिरी आखिरी कमेंट साजिद, आखिरी कमेंट साजिद देख, जो बड़ी अच्छी बात की ना कि यार मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग ये थोड़ी करेंगे, दुबई में स्टेडियम खाली पड़ा रहा, मतलब 35-40 आदमी देख रहे हैं जिसमें से अगर 200 आदमी है उसमें 150 पीसीबी के लोग हैं जो वो गए हुए हैं, या उनके मेहमान है, मतलब ये किस टाइप की मार्केटिंग थी यार, इट्स कंप्लीटली फेलियर। आई एग्री विद हिम कि जब लोग ही क्राउड नहीं होंगे तो उसका फायदा क्या है, ये मुझे बता दीजिए। और दूसरी बात ये सारी बात ये देखें, एट द टॉप ऑफ बॉटम ये है कि वी ऑल आर पाकिस्तानी। आपने कहा ये जिम्मेदार कौन है भाई, इनको पीसीबी के क्रिकेट के मसाइल है तो चेयरमैन, ये जो पोस्ट है ना चेयरमैन पीसीबी, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव पोस्ट है पाकिस्तान की, इतने टूर साल में वो करता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी नहीं करते। कल के मैच पे भी मैं बात करूंगा जल्दी से। नहीं बस अभी टूर्नामेंट बिल्कुल ओपन हो गया, आज जिस तरह की सिचुएशन है पेशावर भी इन है, कराची भी इन है, मुल्तान सुल्तान भी इन है, अब इन तीन टीमों में से एक टीम ने बाहर जाना है, तो ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छे हुए आज के रिजल्ट्स कि टूर्नामेंट ओपन है, वरना अगर एक टीम हार जाती है पेशावर तो ये टीमें फिर कराची और इस्लामाबाद कल के मैच, इस्लामाबाद मेरे ख्याल से फेवरेट जी सर। एक बात इस बात को अगर अधूरी रह जाएगी कि प्रोग्राम इतनी हाइट पे चलेगा, हारून रशीद सिफारिशी लोग हर दौर में रहे, जो कान पे यकीन करो बारीक काम करने के माहिर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तबाही, हारून रशीद साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म करने को कोशिश की, जाकिर खान शफीक पापा ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह कर देंगे। डिपार्टमेंट है तो सब लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को चला कौन रहा है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट चला रही है। आपने डिपार्टमेंट के अंडर-19 खत्म कर दी है, अब ग्रेड टू के मैचेस आ रहे हैं, ग्रेड टू के मैचेस कौन खेलेंगे, टॉप लेवल की टीम है। कल हम इस पर कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे, टाइम खत्म हो चुका है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तो कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे, कल जो रह गई हैं बातें वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by Saath Ho Habib To Manzil Apne Naam Hai Habib Metro Stay Ahead